नमस्कार। आज बांग्लादेश जल रहा है, कल क्या पाकिस्तान जलेगा? आज शेख हसीना भागी भागी फिर रही है, कल क्या शहबाज शरीफ भागेंगे? और आज बांग्लादेश में इस्लामिक तख्ता पलट हुआ है, कल क्या पाकिस्तान के टुकड़े होंगे? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द जिन्ना लैंड को सुलगाने की तैयारियां हो रही है। 30 अगस्त तक अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो पाकिस्तान टूटने के कगार पर होगा। अब की बार पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी हुकूमत का सामना किसी और से नहीं बल्कि मुल्क के छात्र और जमात इस्लामी पाकिस्तान से। और इसी के साथ राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतर शोका जी की भविष्यवाणी भी सत्यता की कसौटी पर खरी उतरने के लिए तैयार है। अब क्या समय आ गया है जिन्ना लैंड के टुकड़े टुकड़े होने का? क्या है पूरा का पूरा मामला? आइए आपको बताने की कोशिश करेंगे। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में शेख हसीना के हुए तख्तापलट के पीछे का सबसे बड़ा कारण आरक्षण को लेकर छात्र आंदोलन रहा और जिसकी नींव जमात इस्लामी ने रखी। और आज यही जमात इस्लामी पाकिस्तान में बांग्लादेश को दोहराने की कोशिश में है। बस फर्क इतना है कि जमात इस्लामी का चेहरा अलग है। अपनी ही लगाई आग में अब पाकिस्तान के जलने का समय आ गया है। जी हाँ, दुनिया जानती है कि ISI और शहबाज सरकार की कितनी बड़ी भूमिका बांग्लादेश के तख्ता पलट में रही है। और अब 77 सालों तक सत्ता की चाबी दबाए पाकिस्तानी आर्मी के तख्ता पलट करने का समय आ गया है। आर्मी की कठपुतली शहबाज सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। और एक बार फिर पाकिस्तान को लेकर श्री संत बेतर शोका जी की भविष्यवाणी के भी सत्य होने का समय आया है। हमने उनका भला सोचा, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारा बुरा सोचा। आज पोजीशन ये है, जो भविष्यवाणी 2019 में की गई थी कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे, क्या वो सच? पाकिस्तान ने तालिबान को प्रमोट किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबानी को प्रमोट किया और वही तालिबान अब बलूचिस्तान पख्तून को पाकिस्तान से अलग करेगा। जी। पहला टुकड़ा जो है 71 में जो है आपका बांग्लादेश हो चुका था, दूसरा बलोच और पख्तून जो है पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। POK बिल्कुल तैयार है, क्योंकि POK की आवाम भी उसी तरीके से त्रस्त है जिस तरीके से अफगानिस्तान में आपके पाकिस्तान ने इंटरफेयर करके वहां के लोगों को त्रस्त किया। तो बहुत जल्दी ही POK भारत का हिस्सा होगा। तीसरा पाकिस्तान हो गया, बलूचिस्तान पख्तून हो गया, POK होगा 3, बांग्लादेश 4, चौथा जो सिंध का सिंध, बांग्लादेश तो अलग हो चुका है, एक हिस्सा वो है पाकिस्तान का, दूसरा आपका पख्तून और बलूचिस्तान, तीसरा कट लगेगा आपका सिंध का, पंजाब और सिंध का, और चौथा जो कट लगेगा उसमें POK हट जाएगा, और पांचवा भाग जो रह जाएगा मुट्ठी भर पाकिस्तान। 9 मई 2023, इसी दिन पाकिस्तान में इस्लामिक तख्ता पलट होने की पूरी तैयारी की गई। इसी दिन तहरीके इंसाफ पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतर आए, हिंसक झड़पें हुई, जगह जगह आग जली हुई, सेना पर भीड़ ने हमला किया पहली बार, और पिछले 2 सालों से जेल में बंद इमरान खान की रिहाई की मांग जोर पकड़ी। और अब इमरान खान के लिए जेल के फाटक खोलने पड़ेंगे, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ जमात इस्लामी पाकिस्तान और मुल्क के नौजवानों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और जमात इस्लामी पाकिस्तान दोनों ने सरकार को 30 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है। हमारे नौजवानों में जो मायूसी है, उस मायूसी के हवाले से हम उन्हें मायूस नहीं कर सकते। हर नौजवान ये कहता है कि मुझे अब इस मुल्क में नहीं रहना, इन जालिमों ने ये हाल कर दिया, और हम इन जालिमों के रहमो कर्मों पर नौजवानों को नहीं छोड़ सकते। अब वो वक्त आ गया है जब हम इनका रास्ता रोकें, इनकी राह में रुकावट बने और इनको घर भेजें। इस मुल्क में इंसाफ कायम हो ताकि ये मुल्क तरक्की की राहों पर चल सके। हमारे मुद्दे हैं, 1, कानून का राज, इंसाफ का निजाम कायम हो, तमाम सियासी नेताओं और तहरीक इंसाफ चीफ इमरान खान की रिहाई, फीसों में 30% की कमी, और जबरन गुमशुदगियों को रोका जाए, बिजली की कीमतों में कमी लाई जाए,
अब देखा जाए तो देखिए इस समय पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। कैसे? क्योंकि देखिए बांग्लादेश में आरक्षण की चिंगारे ने शेख हसीना की सत्ता को भस्म कर दिया, जिसमें समय भी नहीं लगा। और पाकिस्तान में तो देखिए गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, ऊपर से बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में विद्रोह की आवाज, जो चिंगारी भड़की हुई है, सत्ता परिवर्तन से लेकर मुल्क के टूटने की परिस्थितियां पूरी तरह से बनी हुई है। बस एक चिंगारी लगाने की देर है। एक बार फिर पाकिस्तान को कट्टर इस्लामिक शासन की तरफ ढकेला जा रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को पूरी तरह से इस्लामिक पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, और इस बार क्या ये मुमकिन हो पाएगा? कमेंट करके बताइएगा जरूर।